एक सकिंड नहीं मैं सबर करता रहा कि लोग मैं आते बाबा और सर्दी बड़ी घर चलिया जा मैं पुत्रों मैं ला रस्से से जिंदगी सबर की। मेरी बीबी तक भी आख्या तू पागल हो गया, मेरे शरीक आख्या पागल हो गया, फलान टीं गए बहुत रस्ता औखा है जेड़ा इस रस्ते से जाएगा हो सकता नहीं बच सकता। यह रस्ता बहुत औखा है, बहुत तकलीफ आती पर रब की जात उमदाद करता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लमा न्यूज़ के साथ मैं हूं बिलाल शहजाद। इस वक्त जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि तमाम लोग अपने ही गहमा गहमी में मसरूफ़ हैं, किसी को अपनी होश नहीं है तो लोगों को दूसरों की होशियाँ होगी। सब लोग अपनी दौड़ में लगे हुए हैं, पैसा कमाना है, इज्जत कमानी है, नाम कमाना है, लेकिन इस दौर में जहाँ लोगों को अपनी फ़िक्र नहीं होती, अपने हालात की फ़िक्र होती है सिर्फ कि यार मेरे हालात कैसे हैं, इस दौर में भी हमारे साथ आज एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ अपनी फिक्र करते हैं बल्कि दूसरे लोगों की भी फिक्र करते हैं। तो इस वक्त मैं हाल रोड पर मौजूद हूँ और मेरे साथ एक बाबा जी हैं, चाचा जी हैं, जो कि जिनका नाम अभी हम उनसे पूछेंगे, जो कि यहाँ पर पूरा दिन लोगों को इस्लाम की दावत देते रहते हैं। जी चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चाचा जी, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। नज़ीर अहमद वल्द रंगलाई। अच्छा चाचा जी, बताइएगा कि आप हाल रोड पर पूरा दिन फिरते हैं, आप फिर के क्या करते हैं? हर रोड नहीं, मैं पूरा लाहौर भी फिर लिया, मैं अगे पीछे बाहर निकल जाना, हर शहर हर पिंड जाना, मैं ऐलान करना लोगों आहरत बना लो, दुनिया नहीं कोई बना सकता, आहरत बना लोगे नेकी कमा लोगे सदा जन्नत की सैर कर लोगे, आहरत ना बनाओगे दोस्त के बुरा घर है। अल्लाह के कोल दो घर ने, मेरा मकसद है कि लोग दीन सलाम पासे आ जान, राह रास्ते आ जान, अच्छे काम कर, बरियाई तो बच जान। अच्छा चाची, मुझे ये बताओ कि आप जब इस तरह सुबह घर से निकलते हो, ठीक है, पूरा दिन बाहर रहते हो, रात को फिर पता नहीं होता कि आपने किधर जाना है, तो पूरा दिन का जो खाना है वो कहाँ से करते हैं? खाना रब की जात मेरे पीछे कर देता, बड़े लोग ने ऐसे मुहब्बत करते हैं, वो खाना मैं खवाते हैं, मैं घरों निकलना कोई चार दिन पाँच दिन दस दिन महीना तक बाहर गुजार लैंना, तो मेरा बसर मस्जिदों होंगे, लोग मैं आते साडे को गुजारा कर ला साढ़े, मैं नहीं मैं उस रब के घर ही रहांगा क्योंकि मेरी नमाज ना रह जाए, अगर मेरी एक नमाज रह गई तो मैं काम छड़ देंगा, अगर नमाज रोज़ा तो मैं अल्लाह रस्ते जहाज में निकलिया, जो मैं नमाज ना पढ़ा क्यों किसी को आखांगा, अगर मैं रोज़ा रखा क्यों किसी को आखांगा, अगर मैं आराम खाँ क्यों किसी को आखा कि आराम ना खा, क्यों रब की जात ने हो सकता कि 80-90% मैंने रब ने इन्हों कमों तो बचा लिया कि जो मैं संभलिया नमाज रोज़ा इंशाल्लाह मैं नहीं छड़ता, चाहे गर्मी चाहे सर्दी, हो सके कि दूसरी तीसरी बार मैं रोज़े रख लिया गर्मी के, और रब की जात हुक्म मानी दे उनका शुक्र है, रहा मस्जिदा चा खाना मैं इस तरह के लोग मैं खवाते बहुत खवाते हैं। अच्छा चाची, आपकी उम्र क्या है इस वक्त? कोई 72-73 साल के नेड़े, 72-73 साल कर लो, 74 हो जाएगी, मैं इन्ने तक मैं आ गया। अच्छा, ये दावत का सिलसिला आपने कब से शुरू किया? बस ये मैं याद नहीं था, मैं तो मजदूरी कर दिया पाया, दिल तो दलील है कि इंसान आहरत वास्ते कोई गौर कर लै कि मैं गंडा सिंह सांदे रहने वाला कसूर गंडा सिंह सांद्या का, उतों 14 साल लाहौर आ के मैं जुमा पढ़ता स, बड़े बड़े लोगों के गल्लां सुननिया, उन्होंने ये दसना कि जिहड़ा अल्लाह रस्ते ते निकल जाता है उहदी मदद रब करता है, उहदा अल्लाह साथी बन जाता है, अल्लाह उहदे हर तरह मुश्किलां आसानियां करता है। मैं फिर दिल च सोचा चल यार इस पासे चले चलने, मैं फिर इत्थों हारोड़ों स्पीकर खरीदे, 6,500 रुपया मैं लाया सी, इह स्पीकर खरीदया मैं लै के चलिया, रस्ते च यह छापे ने कंडे ने, यह बहुत रस्ता औखा है जिहड़ा इस रस्ते ते जाएगा हो सकता नहीं बच सकता। यह रस्ता बहुत औखा है, बहुत तकलीफ आती पर रब की जात उमदाद करता है। कौन ही रब की जात वक्त गुजर जाता है जोड़ा आंदा, लोग पूछता की करेंगे, मैं लान करांगा, उन्हें असं नहीं करने गया, मैं करांगा, तुम जो करना कर लो, कोई कैद कर लै जो मर्जी कर दिया, कोई जिस वे कर लो, मेरे रब का शुक्र है क्योंकि मैं उनका शुक्र अदा करने वाला कि जो मैं तकलीफ उन्हें देनी है वो मेरी तकलीफ को कट नहीं सकता, पूरी कायनात जुड़ के जिहड़ी मेरे पास मुसीबत आमदी नहीं रोक सकते, अगर मेरा रब मेरे हाल से रहम करता है पूरी दुनिया मैं तकलीफ नहीं दे सकती,
कि मेरा ईमान है, मेरा रब ते भरोसा है, मैं इस करके चल रहा। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि जो आपको कुरान की आयतें याद है, इनके तर्जमे याद है, तो आपने कुरान हिफ्ज किया? नहीं जी, मैं कुरान पढ़िया भी नहीं था, कि मैं कुरान की एक आयत भी नहीं पढ़ सकता। अगर मैं किसी ने पढ़ के सुनाना उन्हें नहीं तू गलत पढ़ना है, मैं ना यार मैं अल्लाह के रजा नाल तो बस सही पढ़ना ना, बहरहाल मैं न पढ़ा, मैं कुरान ना हिफ्ज किया ना पढ़िया। कुरान सुनना इन्ना को कुरान सुन सुन के रब की जात का शुक्र है कि गल जिनी सुन मिलती ना उन्नी पढ़ने नाल नहीं मिल सकती। अच्छा चाचा जी, अब तो सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में ठंड की कोई फिक्र नहीं होती कि यार मैं बाहर निकलूँगा कि तो सर्दी लगेगी या मुझे मैं बीमार हो जाऊँगा, कोई फिक्र नहीं है आजकल का? नहीं है, एक सेकंड नहीं मैं सबर करता ना रहा कि लोग मैं आते बाबा और सर्दी बड़ी घर चलिया जा, मैं ना पुत्रों मैं अल्लाह रस्से से जिंदगी सफर की है, और रब जरा मेरी शाह राग तो करीब है, अल्लाह से सुनता पे है। अगर मैं किसी बंदे की नौकरी करता हूँ वहाँ, मैं कितने जाके सौ जाऊँगा कितने लुक जाऊँगा, वो मैंने नहीं पूछेगा, वो मैं उस रब का नौकर जिन्हें मैंने पूछना है। हाँ भी अगर तू मेरे से जिंदगी सफर करके आ सर्दी तो डरिया सें, बीमारी तो डरता सें, गर्मी तो डरना, मैं गर्मी सर्दी तो नहीं डरता। चाची बच्चे वगैरह हैं कितने हैं? हाँ जी अल्लाह का शुक्र, मेरिया चार धियां ने, दो पुत्र ने, बालदैन बालदा फौत ने, बीबी मेरी भी याद है, भैन भरा शरीका कबीला है, अल्लाह का शुक्र आपका कारोबार कर रहे हैं। मैं आप देश दिला औलाद ने कभी कहा नहीं कि यार आप हमारे पास क्यों नहीं आ जाते, उन्होंने कभी बुलाया नहीं? नहीं जी नहीं, बहुत हो जाता है, बुला दें पहले पहले सब कुछ किया है, उन्हें मेरी बीबी तक भी आख्या तू पागल हो गया है, मेरे शरीका आख्या पागल हो गया फलान कहेंगे, वो जो मैं हो गया मेरा रब जानता है कि मैं इस पास आ गया। जिस तरह मेरे रब की जात ने फरमाया है, लोगो मैं थोड़ा राज का मालक हाँ खालक हाँ, मैं थोड़ा रिजक देना, अल्लाह का मैं कसम है रब की ऐसी बड़ी रब कसम खाँदा आंदा, मैं कसम है रब की कि मैं थोड़ा रिजक दिता है, तो तुम उन्होंने नाँ देंगे जिन्होंने जानते नहीं दे, कबर वाले तो क्या तो नहीं कोई सुन सकता, उस रब की जात बिना किसी का भला बुरा भी नहीं कर सकता, क्यों बाद आओ ला शरीक ना हो, वो बाद आओ ला शरीक उनका शरीक कौन ही गा, वो जो चाहता है करता, वो बड़ा बड़ा रब है, उस रब का हुक्म मानना उनके कहते चलना, अगर मैं हुक्म ना मनना मैं फिर रह जाऊँगा। अच्छा चाची ये बताओ कि लाहौर में आप कौन कौन से हैं, लाहौर के बाहर किस किस इलाके में आप फिरे हो, कहाँ कहाँ आपने तबलीग की हुई है? लाहौर की कोई गली मेरे को तो नहीं भुल गई, मैं मिसाल कर लो कि कान्हे तो लैके काला शाह काकू मरीज के कुछ राले तक भी गया, कुछ राले दलियों में फिर के आया, इधरों मिसाल एयरपोर्ट में जाना और शपीर मीर की कोई है राय बंड राय जाके मैं सारा ठोकरे न्याज बेगे अगे यतीम खाना है शिजान फैक्ट्री किसी पासा सौदा छोटा बड़ा मैं कोई गली नहीं रह गई कि जिस गली च मैं ना गया वहाँ। आखिरी दफा घर कब गए थे? घर मैं हो गया कहीं मैं हफ्ता को आया इनू घर में जाता रहना अठी दिन पंद्रह दिन कभी ऐतवार को फेरा मार लेना अगे पीछे चला जाना फिरता रहना जी। तो ये थे हमारे साथ बाबा नज़ीर, जो पूरे लाहौर में, लाहौर से बाहर दूसरे शहरों में भी लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की दावत देते हैं और सिर्फ लोगों को दीन इस्लाम की तरफ बुलाते हैं ताकि वो अपनी दुनिया भी संवारें और अपनी आखिरत भी। इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल को दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।